बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चंद अल्फाज हैं। पहला है सरे मुंह, जरा भर, रती भर या बाल की नोक के बराबर। दूसरा लफ्ज है नजर, देखना, दीद करना, गौर करना। तीसरा है नजर, तोहफा देना, पेश करना। आगे है लह तो लहल, टाल मटोल करना, बहाना करना, बहाना बनाना। कहता है नजर चश्म पोशी करना और नजरअंदाज करना, यानी कि किसी चीज को देखकर भी उसको छोड़ देना, सर्फ नजर जिसको कहते हैं। मोहतमिम कहते हैं इम्तहान लेने वाले को। चाक ओ चौबंद, इसको हम पढ़ते हैं चाक ओ चौबंद, चार गांठ मजबूत होना, यानी दो हाथ और दो पांव का मजबूत होना, चारों जोड़ दुरुस्त होना। चाक कहते हैं फुर्तीले को, होशियार को। और एक लफ्ज जिसको हम दुरुस्तगी पढ़ते हैं, ये लफ्ज है दुरुस्ती, दुरुस्ती, मरम्मत करना, इसलाह करना, किसी चीज को ठीक करना। चाक चौबंद, चाक तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है फुर्तीला, चुस्त, चालाक, तरोताजा। और चौबंदी कहते हैं घोड़े, गधे और खच्चर के चारों सुमों में नहल बांधना ताकि वो घिसने से महफूज रहें। और चौबंद कहते हैं चारों गांठ मजबूत होना, यानी कि हाथ पांव सलामत होना, दो हाथ और दो पांव का तंदुरुस्त होना। अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब का अमीन नासिर हो। वस्सलाम।